कि मेरे बच्चे ऑफिस से आए थे और बच्चे अंदर घुस गए, मैं अपने पल्ले मकान में खाना खा रहा था, खाना खाते खाते एकदम से मेरी मिसेज और मेरे घर में जो किराएदार हैं वो बाहर निकल के भागे, एकदम से क्या हो गया। जब देखा तो यहाँ पर इसी जगह पर जो आपको मैंने बताया था, इस जगह पर चिंगारियाँ बहुत ज़ोर से शुरू हो गई। मैंने सोचा इसको कंट्रोल करता हूँ, तब तक मैं फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर अपने घर से लेने के लिए गया, तब तक के जो कि ये बहुत ज़्यादा आग पकड़ चुकी थी। मैंने कई बार अगर आप मेरा मोबाइल चेक करना चाहेंगे तो उस मोबाइल के अंदर मैंने 112 10,099 एमरजेंसी सारे कॉल पर मैंने कॉल की। कॉल लगने के बाद कोई भी वहाँ कॉल नहीं लगी, कभी बोला एक दबाओ, कभी लगाओ दो लगाओ, कभी तीन लगाओ, इतना हमारे पास टाइम नहीं था। कुछ हम इधर देख रहे थे, कुछ हमने एक लड़का था मुकेश शर्मा, मुकेश डागर जो कि फायर ब्रिगेड में काम करता है, उसको बुलवाया गया, वो अपनी एक्शन करते हुए उन्होंने किया। फिर हमने बिजली डिपार्टमेंट को भी कॉल किया जिससे कि जो कहा सबसे पहले बिजली काटा जाए, उससे पहले कि हमारे पड़ोस में जो भी लोग वहाँ पर आए थे उन्होंने पाइप को उतारा, और पाइप को उतारने के बाद सबमर्सिबल से चलाना चाहा तो मैंने सबमर्सिबल नहीं चलने दिया क्योंकि यहाँ पर बिजली का करंट दौड़ा हुआ था, इसलिए उस पाइप को हमने वापस करा लिया। वापस कराया तो हमारे मेरे चेयरमैन साहब को बात की, चेयरमैन साहब ने भी उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट में कॉल की, हमने भी बिजली डिपार्टमेंट में कॉल की तो वहाँ से बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। जब डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट होने के बाद में हमारे पास में कोई भी चारा नहीं रहा क्योंकि अब बिजली का सबमर्सिबल चल नहीं सकता, बगैर बिजली के नहीं चल सकता। तो फिर गाड़ी आई, गाड़ी भी दो फायर टेंडर आए, एक शायद मेरे साथ कैपेसिटी का था 22,000 कैपेसिटी का था, एक 32,000 कैपेसिटी का था। उससे पहले जो उनकी मोबिलाइजेशन जो मोटरसाइकिल वाली है जो शंकरी गली में चलने वाली थी वो आकर के एक मिस कर गई, दूसरी चली, वो उतने खत्म हो गए, उसका कोई एक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मैं यही कहूँगा कि भगवान इस तरह की किसी के ऊपर आपदा नहीं आए, और आपदा आए तो जैसे आज मेरी कॉलोनी में या मेरे साथियों ने या फायर ब्रिगेड ने जो सहायता करी है, भगवान सबकी इस तरह से सहायता करें। मेरे को नुकसान बहुत मोटा हुआ है लेकिन किसी की जान की नुकसान नहीं है, माल मेरा बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि आपके समक्ष आप निरीक्षण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके सामने है जो भी कुछ है, बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ। मैं भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके थ्रू ये बात बिजली डिपार्टमेंट को जाए, बिजली डिपार्टमेंट से जो भी मेरी गलती है, मेरे मकान की जो वैल्यू आती है उसका, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट से कांड हुआ है, वो भी इंटरनल नहीं हुआ, ये भी एक्सटर्नल जहाँ से कनेक्शन जाता है मकानों को, या मकानों को दुकानों तो यहाँ पे है नहीं किसी की भी, बाकी यहाँ पे करीब 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 हजारों की भीड़ होगी। जिसने जिसकी हिम्मत जैसी बनी उन्होंने उसको किया, मेरे को मेरे अपने बच्चों को निकाल देना है, मेरे सिर के ऊपर बहुत सारी सीलिंग्स गिरी या जो भी गिरा, सिर नहीं फटा लेकिन मेरे पैर के अंदर, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि इसमें मेरा कांच लिखा हुआ है। डॉक्टर हैं अनिल कुमार, उन्होंने दो कांच को निकाल दिया लेकिन एक कांच अभी भी इसके अंदर फंसा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं जला हुआ हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने आपको अभी दिखाया था ये यहाँ से मेरा जला हुआ है, जैसे कि आपको दिखाया ये भी मेरा जला हुआ है, बाकी और मेरी कमर पे पीछे भी है, बाकी यहाँ पे जो मौके वारदात पर अवेलेबल लोग थे उन्होंने मेरे को देखा कि जिस तरह से मैं अपने बच्चों को अपने सामान को लेकर के जा रहा हूँ, स्कूटी को निकाल कर मैंने अपना रिश्ते हुए बच्चे को मैंने इनोवा को निकलवाया, इसको किया पानी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब भी तक नहीं आई फायर ब्रिगेड, जब तक नहीं आई, जब तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ नहीं आई, लेकिन जब आगे तो दोनों ही शासन प्रशासन हमारे साथ में थे, हमारी कोई ये नहीं कि उन्होंने हमारी हेल्प नहीं, उन्होंने हमारी खूब हेल्प की है जैसा कि आप देख रहे हो। अगर हेल्प नहीं की होती तो ये हमारा पूरा मकान भी जा सकता था, और मकान के साथ साथ हमारे पड़ोसी भी जा सकते थे। इसके साथ साथ नुकसान हमारे पड़ोसी को भी हुआ है, उनकी जो पीवीसी की पानी की पाइपलाइन, जो पानी की जो का सेंटेक्स की जो टंकियाँ थी 1,000 लीटर की, उनकी वो भी जल गई है। जैसे कि पड़ोसी हैं संदीप हैं, इनके भी मकान के आप देखेंगे तो काला पीला हो रखा है। इधर से हमारे जो टीकाराम जी हैं उनके उस पर वो, लेकिन बाद दमकल विभाग की गाड़ियों की अगर हम बात करें या पुलिस की बात करें, कितनी देर में आई थी उसके बाद? मेरे हिसाब से वो आधे घंटे के अंदर अंदर वो गाड़ी यहाँ पहुँच गई, लेकिन जब तक ये आगा अगला अगर वो नहीं आए होते तो शायद ये पूरा कृष्णा कॉलोनी न बसती। लापरवाही किसकी मानते हो इसमें? सर लापरवाही तो मैं ज्यादातर ये कह सकता हूँ कि जो हम नंबर लगा रहे थे वो गलत नंबर हो सकते हैं, या फिर वो नंबर बिजी चल रहे थे। मैं पॉइंट ऑफ ये नहीं कहूँगा डायरेक्टली इसकी वजह से हुआ है, जो शॉर्ट सर्किट है वो आपको सबको पता है, मैं किसी को पॉइंट ऑफ नहीं करूँगा।
क्यों नहीं करूंगा, मेरे बच्चे बच गए, मेरा समाज बच गया, मेरे सब कुछ बच गया, जो नुकसान है वो माल धन का नुकसान हुआ है। हमारे पास में सूचना मिली थी, यहाँ भी टेलीफोन आया था और 112 नंबर से भी टेलीफोन आया था 7:30 बजे की, हमारे पास में सूचना थी तो कृष्णा कॉलोनी का मामला था, मकान में आग लगी थी। तो सबसे स्टार्टिंग में हमने जो है ना छोटी मोटरसाइकिल है हमारे वाटर मिस टाइप में वो निकाल दी थी, उसके बाद में एक फायर टेंडर भेजा था हमने, तो दोबारा कॉल मिली भाई आग ज़्यादा है तो हमने दूसरी गाड़ी भेज दी थी। लगभग हमने 7:30 बजे गई थी और 10 बजे के करीब हमारी जो गाड़ी वापसी कंट्रोल करके आई थी। जिस मकान में जो एसी है, एक कार थी स्विफ्ट बाहर खड़ी थी वो भी जल गई, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, घरेलू सामान जो बेड वेड है उनके सोने चांदी का जो भी सामान है वो सारा अंदर जल गया उसमें। तो कहूँ क्या कारण सामने निकल कर आया? उनका बताना यह है कि हमारे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी है, पर बाकी ये जाँच का विषय है।